आवाज की दुनिया के दोस्तों, विगत में यह भी सुझाया गया है कि तंबाकू मुक्ति का सोच तंबाकू नियंत्रण से अधिक उचित व और लाभकारी है। इसे हेतु मात्र तंबाकू व्यवसाय से जुड़े लोगों हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था बनानी होगी। इस देश की केंद्र और प्रदेश की सरकारें बराबर वर्ष दर वर्ष तंबाकू उद्योग के रोना रोते रहने से सहमत होती आई है कि तंबाकू खेतीहारू बीड़ी उद्योगों में जुटे गरीब परिवार या खुदरा तंबाकू विक्रेताओं लाखों में है, पर इस बात का कोई उत्तर नहीं देता कि ये इतने बड़े कैसे गए। तंबाकू उद्योग को सांसों में आश्रम की कम काबिलियत या कम समय में कम मेहनत कर अधिक लाभ अर्जित करने से की मंशा को चलते या फिर गलत अथवा पक्षपाती राजनीतिक स्वार्थवश बना भी गई। सरकारी नीतियों संस्थाओं के कारण खैर विषय पर आते ऐसा क्या हो जाए कि ये समस्या जड़ से ही समाप्त दृष्टिगत होने लगे। एक समाधान ऐसा है कि जो भविष्य में तंबाकू की मांग को ही समाप्त कर सकता है, तंबाकू मुक्त पीढ़ी की स्थापना करे। इसकी शुरुआत सिंगापुर में वर्ष 2010 में एक कानूनी तरीका सुझाया गया, जिसके अंतर्गत निर्धारित दिनांक 2000 के बाद से घर में प्रत्येक नागरिक को तंबाकू की आपूर्ति और बिक्री पर सर्वत्र रोक एक से एक सातवीं का है, जिसमें प्रभावकता के मुद्दों में जैसे विक्रेता के द्वारा इसकी पालना छदम और तस्करी से आपूर्ति होने के रास्ते पर रोक इत्यादि के विभिन्न समुदायों के द्वारा कानून की पालना साथ जोड़ा गया है। क्योंकि दुनिया भर के तंबाकू उपभोग आदि से अधिक जनसंख्या में 18 वर्ष से काम की है परिपक्व आयु में आरंभ हो जाता है। इस प्रभावदान के अंतर्गत कानून में प्रवर्तन के अपेक्षा की उसकी पालना को आधार बनाया गया है। यह इसलिए भी उचित लगता है क्योंकि विश्व के उन्नत देशों में भी न तो वर्तमान में तंबाकू उपभोगियों से तंबाकू पूरी सफलता के साथ छुड़वाया जा सकता और ना ही अल्प वयस्कों को इसके उपभोग में बचाया जा सकता है। तंबाकू उद्योग की कुख्यात कारस्थानों को रोक नहीं पाने के कारण वर्तमान में अल्पसंख्यकों की हेतु कानून व्यवस्था की रोक को वर्ष 18 से पहले इन्हें तंबाकू पदार्थ न बेचे जाए के दो कमजोर पक्षों को सामना करना पड़ रहा है। कोई भी 16-17 वर्ष पर उससे कम आयु का अल्पसंख्यक सोच सकता है कि तंबाकू खा पी कर वयस्क 18 वर्ष से भ्रम दिखने लगेगा, और दो यदि अगर 18 वर्ष की तंबाकू खाना पीना कानून रूप से उचित व मान्य है तो 16 या 17 वर्ष की आयु में मेरे लिए इसका खाना पीना क्यों हानिकारक होना चाहिए। इसका एक और पहलू भी है कि कट ऑफ आयु के तुरंत बाद में तंबाकू खाने पीने वालों की संख्याओं में एकदम से बढ़ोतरी हो जाती है। भारत में भी तंबाकू नियंत्रण की बदली प्रामुखता से पिछली 7 वर्ष से गेटस राउंड 7% 2009 से गेटस राउंड 2 वर्ष 2016-17 में तंबाकू उपभोक्ताओं करने की आयु 1 वर्ष बंद कर 17 व 9 वर्ष की अब 18-9 वर्ष हो गई है। अब वर्तमान की व्यवस्था में समाहित हो जाए। हरे हरे जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सत्संग प्रेमी हो, पुण्य आत्माओं कि इस सदी में जन्मे अल्प वयस्कों को तंबाकू मिले ही, अर्थात जो भी 1/2000 से जन्मे हैं तो इस तिथि के बाद जन्मे अल्प वयस्कों को तंबाकू उपभोग से बचाने के प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। और तब दो हिन वयस्कों के विशेष वर्ग को तंबाकू के लत से पीछा छुड़वाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यह तंबाकू मुक्त पीढ़ी के प्रावधान के लागू कर पाने के मुख्य चीना पिछली सदी की बात हो जाएगी, माने जाने लगेगी। इस तंबाकू मुक्त पीढ़ी और उसके पहले की पीढ़ियों में बढ़ता अंतर वर्तमान में तंबाकू खाने पीने की सामाजिक स्वीकृति को नकारा इसे रोक मानता दिखेगा। और 5, तब तंबाकू नियंत्रण कानून अच्छा कानून वही होता है जिसे जनमानस सामाजिक धारणाओं में एकीकृत कर स्वेच्छा से अपनाने लगे।
एस स्कॉटलैंड से तू एक चार्टर भी घोषित किया गया है ताकि हर नवजात तम्बाकू की हानियों से मुक्त जीवन जी सके। दो, बच्चों को एक धूम्रपान रहित वातावरण मिले। तीसरा, उनके खेलने सीखने और सामाजिक से जीने की तरह तम्बाकू मुक्त हो। चौथा, उन्हें ऐसी प्रभावी शिक्षा का अधिकार हो जिससे सशक्त हो, स्वस्थता हो, तम्बाकू पर सूचित हो, एक सकारात्मक निर्णय कर सके। 15, उन्हें ऐसी हो व्यापी राज्य बचाया जाए जो कि तम्बाकू के नए ग्राहकों की ढूंढती और यदि वह तम्बाकू उपभोगी के गवाह हो तो उन्हें इसे शीघ्रता शीघ्र छोड़ तम्बाकू मुक्त होने की सुविधा सहजता से मिले। तम्बाकू उद्योग से जुड़े सभी वर्गों को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके पास अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवसाय स्थापित करने के पर्याप्त समय रहेगा। समाज की रक्षा के लिए धार्मिक संस्कार जरूरी है। मित्रों, हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वर्तमान समय में बच्चों द्वारा किए जा रहे असामाजिक कार्यों से रोकना है तो बच्चों में बचपन से ही संस्कार देने होंगे, नहीं तो इसका परिणाम भविष्य में भगवान क्या होगा। बच्चों में संस्कार नहीं होने से परिवार, जाति, समाज व धर्म को नुकसान होता है। धर्म व समाज की रक्षा के लिए बच्चों के धार्मिक संस्कार की आवश्यकता है जो सबको पहले माता पिता ही दे सकते हैं। बोलने की आदत डालिए वरना आप अपना जनता होने के अधिकार को खो देंगे। अब समय आ गया है मित्रों, बोलने और सुनने की आदत डालिए अन्यथा आप ही अपने लोक होने का अधिकार खो देंगे। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज देश में कभी इतिहास के नाम पर तो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। क्या कभी हमने कल्पना की थी कि हम अपने लिए सत्ता चुन रहे हैं? पाउडर उन्होंने कहा कि इतिहास व राष्ट्रवाद के बाद मानहानि के नाम पर झूठे मुकदमों का भय दिखाकर लोक में मन में एक डर पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू मुस्लिमों के बीच में पैदा की जा रही है युवाओं को मानव बम बनाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार खोदे जा रहे इन खड्डों में आखिरकार गिरेगा कौन। उन्होंने कहा अखलाक और पहलू को मारा जाता है तो मुस्लिम नहीं इस नियत मरती है। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या होती है तो माकपा कार्यकर्ता मारा जाता है, वहाँ भी तो इंसानियत मरती है। इसलिए हमें बोलने की आदत डालनी होगी वरना आप अपने जनता के अधिकार खो देंगे। उन्होंने कहा कि आजकल देश में मानहानि के मुकदमे दर्ज करवाने वाले दौर चल रहे हैं, इसका फायदा जम्मू ये लोग अपने हिसाब में उठा रहे हैं। राजनीतिक दल उनके नुमाइंदे भी अपने हिसाब से मानहानि मुकदमों दर्ज कराने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश में मानहानि का मूल्य 125 रुपये कर देना चाहिए ताकि मानहानि बराबर की हो जाए। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पुण्यात्माओं, किसी भी 100% करोड़ या 500 करोड़ की ना हो, उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा बैंकों को मानहानि लोन शुरू कर देना चाहिए ताकि लोग मानहानि पर लोन ले सकें। राजग सरकार भ्रष्टाचार मुक्त निर्मला सृष्टि के हर पहलू का करें सम्मान, मुनिश्री दिव्य प्रेम का लक्षण है। इसी सम्मान को भक्ति तथा पूजा उपासना की आराधना कहते हैं। मित्रों, जो कुछ प्रकृति हमारे लिए करती है उसी की नकल हम भक्ति की विधि को करते हैं। प्रकृति भिन्न भिन्न रूप से हमारे सामने अपनी कला प्रस्तुत करती है और इसके दूसरे पहलू अनुसार हम पूजा भक्ति आदि द्वारा वह सब प्रकृति के वापस अर्पित करते हैं। पूजा अर्चना में जो फूल चढ़ा जाते हैं वह फूल प्रेम के प्रतीक होते हैं। प्रकृति हमसे प्रेम करने के अलग अलग रूप में आती है। माता पिता, पति पत्नी, मित्र, बच्चे आदि अनेक रूपों में वही प्रेम गुरु के रूप में आकर हमें परमात्मा सकाह तक पहुँचाता है जब कि हमारा सच्चा स्वभाव है। जिस प्रेम से हमारा जीवन पहले फूल रहा है उस प्रेम को मान्यता देना ही पूजा में फूल को अर्पण करना है। प्रकृति हमें होम से तरह तरह के फल फूल आदि नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करती है। हम फलों फलों को उन्हें अर्पित करते हैं। प्रकृति हमें भोजन देती है। इसी तरह प्रकृति में चांद व सूरज रोज उदय और अस्त होकर हमें लगातार प्रकाश देते हैं। डेयरी प्रेमी राकेश की जमानत खारिज
गुजरात चुनाव सियासी गर्मी के बीच निकला फार्मूला, हार्दिक का हाथ कांग्रेस के साथ, लोगों को धोखा दे रहे हैं हार्दिक कांग्रेस। भाजपा हार्दिक पटेल ने कहा, भाजपा के विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी रहेगी, इसलिए प्रमुख रूप से हमारी समर्थन कांग्रेस को है। वहीं गुजरात के उप सीएम नितिन पाटिल ने इस फार्मूले को मूर्खतापूर्ण बताया। कांग्रेस के पास में हुनर है जिसमें सिर्फ एगा लांगे बिना पटेलों की उनका हक दे सकती है। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धोखा है ये फार्मूला, कानून 500/0 से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। मूर्खों ने फार्मूला दिया और मूर्खों ने स्वीकार किया। मैंने हार्दिक से ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति नहीं देखा। तुम्हारे हार्दिक जैसे बहुत नेता हैं और चले जाते हैं, बाद में उन्हें कोई याद नहीं करता है, क्या बोले राठौड़। राठौड़ ने कहा कि परिणामी का बयान मेरे संज्ञान में नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। राजधानी में सरकार ने जो काम किए हैं वह जनता के सामने है। जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए द्रव्यति से लेकर रिंग रोड तक का जो काम कागजों में था, वह मूर्त रूप देने का काम इस सरकार में हुआ है। जयपुर में छोटे छोटे उद्यान पुष्पित हो रहे हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, सब्सक्राइब की कत्तई बार ला दें। ये नितान्त आवश्यक है मित्रों, मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है।